हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ कविता जिंदौरी जायका में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर कोल्हापुरी। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 200 ग्राम पनीर। मैंने यहाँ घर का पनीर यूज़ किया है, आप चाहें तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। 2 बड़े प्याज, 2 बड़े टमाटर, मैंने इन्हें बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 5 कलियाँ लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 काजू, तेज पत्ता, साबुत लाल खड़ी मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 10 से 15 काली मिर्च के दाने, दालचीनी, पत्थर फूल, हल्दी पाउडर, नमक, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, तड़का लगाने के लिए तेल, गरम मसाला, 2 चम्मच तिल्ली, 2 चम्मच खसखस, 2 चम्मच नारियल का बूरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 पिंच हींग। सबसे पहले हम गर्म कढ़ाई में आधा चम्मच जीरा डालेंगे, साथ ही सौंफ डालेंगे, साबुत धनिया। इन्हें हम आधा मिनट तक सेक लेंगे। अब सारे खड़े मसाले डाल लेंगे, साथ ही खसखस डालेंगे और तिल्ली भी डाल लेंगे। इन्हें भी हम आधा मिनट तक भूनेंगे। इसमें नारियल का बूरा डाल लेंगे। इन सभी को हम आधा मिनट तक और भूनेंगे। गैस बंद कर देते हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हम ठंडा होने पर मिक्सर में पीस लेंगे। इसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर लहसुन, अदरक और प्याज डाल लेंगे। इन्हें हम 2 मिनट तक भूनेंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है। प्याज भून चुके हैं, अब हम काजू और टमाटर डाल लेते हैं। इन्हें मिक्स करके हम लगभग 3 मिनट तक भूनेंगे। इन्हें मीडियम फ्लेम पर भूनना है। प्याज और टमाटर भून चुके हैं, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इन्हें ठंडा होने पर हम मिक्सर में पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लिया है और ये जो हमने खड़े मसाले भुने थे उसका भी पाउडर बना लिया है। इसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर हींग डाल लेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इन्हें हम तेल में मिक्स कर लेंगे और साथ ही में प्याज और टमाटर का पेस्ट डाल लेंगे। इन सभी को मिक्स कर हम लो फ्लेम पर 2 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। ये जो हमने खड़े मसाले का पाउडर बनाया है ये भी डाल लेते हैं इसमें। 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। इन सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें आधी कटोरी पानी डालेंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं। पनीर डाल लेंगे। इन सभी को मिक्स करके हम ढककर लो फ्लेम पर 2 मिनट तक पकने देंगे। पनीर कोल्हापुरी बनकर तैयार है।
आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और भी इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।